Solo que स्टूडेंट्स आज मैं कल लेक्चर के साथ प्रस्तुत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना वेब पेज मुकम्मल करेंगे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना महीनों तक का सीखा था सारा काम, ठीक है। तो कल इसलिए वाला पिछला लेक्चर नहीं देखा, पहले ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके पिछला लेक्चर मैं देख लेता कि उसको इस लेक्चर की समझ आ जाए। तो चले शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अब हमने अपना लोगो भी डालना है, तो मैं को डिव बनाऊंगा, उसको क्लास दे दूंगा लोगो, लोगो और डिव नीचे बंद जरूर कर देना है स्लैश डिव। उसके बाद इसके अंदर हमने इमेज डाल देनी है IMGSRC लोगो डॉट PNG। देख लेता हूँ मेरे पास PNG है मेरे पास, ये मैंने सेव किया और ये मेरे पास अपनी इमेज आ गई है लोगो वाली। अब इसके अंदर हमने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ख़राब सी एक आ रही है मेरे पास इमेज। तो डॉट लोगो IMG इसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम फ्लोट पोजीशन टॉप हाइट चेंज करेंगे, फ्लोट लेफ्ट जारी बातें हैं, एब्सोल्यूट पोजीशन यहाँ पर चेक करते हैं अपना। तो अब देखें मेरे पास जो टॉप है अभी वो सही नहीं आ रहा, ये बहुत पहले से बड़ी भी आ रही है, तो इसको अब ठीक करते हैं। तो टॉप मैं करता हूँ 27px और हाइट इमेज की अपनी कर लेता हूँ 50px। तो ये देखें अब ये दोनों का जो टॉप है मेन्यू का और इमेज का एक जैसा आ रहा है, ठीक है, और इसका साइज़ भी अब बहुत ही एडजस्ट हो गया है, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, इधर हम लिखेंगे डॉट मेन मैक्स विथ जो कि हमारे पास रहनी चाहिए 1200px, ताकि हमारा जो सारा टेक्स्ट है मेन्यू है लोगो है सारा सेंटर में हो जाए। इसको आपने कर देना है ऑटो। तो ये देखें मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट के हिसाब से सेंटर में अब आ गया है, ठीक है। डॉट मेन की मैंने एक चीज़ चेंजेस करनी थी। अब हम लोग अपना एक और डिव बनाते हैं, डिव क्लास दे देंगे टाइटल, इसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो वेबसाइट है थोड़ी प्रोफेशनल तरीके से नज़र आए। इसके अंदर हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है H1 आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे मोबाइल ऐप लैंडिंग पेज, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक बी आर डाल देंगे और फिर इधर एक पी आ जाएगा पैराग्राफ इंटर। उसके बाद मेरे पास एक टेक्स्ट है ये छोटा सा, ये मैंने अपने पास रखा हुआ था, इसको मैं कॉपी करके डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे ये मेरे पास आ गया, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें मेरे पास जो मेरा H1 था और टेक्स्ट था वो इधर आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड पे लोगों के ऊपर ऊपर। तो अब स्टाइल में इसकी चीज़ें चेंज कर देते हैं। इधर आप लिखेंगे डॉट टाइटल पोजीशन टॉप लेफ्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। पोजीशन आप लोग कर देंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में आप चले जाएं और इधर लिख दें ट्रांसलेट -50%
कॉमा माइनस 50%, ठीक है, और टॉप को आप कर दें 30%, लेफ्ट को आप कर दें 50%। तो ये देखें मेरे पास सारा टेक्स्ट अब सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट में थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। इधर मैं लिखता हूँ डॉट टाइटल H1, ठीक है। इसमें हम लोग कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और लेटर स्पेसिंग चेंज करते हैं। कलर इसका होगा वाइट, H1 के अंदर अभी हम कर रहे हैं सेटिंग। तो फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 55px, और फॉन्ट इधर मैंने वेट लिखना था, वेट ये हम कर लेते हैं 30, और स्पेसिंग कर लेते हैं -1px। तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा H1 लग रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग नीचे वाले टेक्स्ट के चेंजेस करते हैं, जिसका नाम है डॉट टाइटल P, ठीक है। इसमें हम चेंज करेंगे कलर, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन, वो तो सेंटर ही हम करेंगे, ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज हम कर देंगे 18px, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। कलर हम कर देंगे FFB6F6, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हैशटैग भी डाल देता हूँ। तो मेरे पास ये कलर आ गया है मेरा। अब हमने एक आखिरी काम करना है, हमने अपनी इमेज डालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ div class image slash div img src, जो मेरे पास इमेज पड़ी है मैं उसका नाम लिख रहा हूँ। स्पेस ना हो आपके इमेज वाले टेक्स्ट के अंदर, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो ये देखें मेरे पास एक इमेज आ रही है iPhone X की। तो अब इसके अंदर स्टाइल चेंज करते हैं, इमेज डॉट, इसके अंदर स्टाइल चेंज करते हैं। इसमें हम पोजीशन, टॉप, लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म, पैडिंग बॉटम, हाइट, और ओवरफ्लो पे काम करेंगे। ओवरफ्लो सबसे पहले ओवरफ्लो आपने लग देना है हिडन, हाइट 0 कर देनी है आपने, ट्रांसलेट वही कर देना है जो हम करते हैं, -50px कॉमा -50px। याद रखें माइनस ज़रूर लगाना है, माइनस के बगैर वाला नहीं लगाना, ठीक है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, यहाँ तक देखते हैं अपनी इमेज, हमें तो नज़र ही नहीं आ रही। तो ऐसा करते हैं, अब इसका टॉप लेफ्ट भी डाल देते हैं। तो ये हमारे पास होगा 71%, ये 50%, और ये 27%, ठीक है। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया और ये मेरे पास आ गई मेरी इमेज। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक फुल वेबसाइट बनाना सिखा दिया है, एक मोबाइल वेबसाइट, ठीक है। तो काइंडली अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा दूंगा। और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दोबारा मत भूलें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।